अफशा खान, स्वागत करती हूँ आपका। अमानतुल्ला खान जी, अभी आपको बताया कि डीपीसीसी में, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जिस तरह की बातें हुई हैं कि आपने वक्फ बोर्ड वालों की तनख्वाह में बढ़ोतरी की है, आपका स्ट्रेटेजी है लोकसभा चुनाव के लिए, तो इसके लिए क्या आपका क्या कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी देना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बहुत दिनों से डिमांड थी वक्फ बोर्ड के इमामों की और दिल्ली के सारे इमामों की कि जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है उनको तनख्वाह मिलने लगे, और जो वक्फ बोर्ड के इमाम हैं उनके तनख्वाह जो है बड़ी कम थी, 10,000 तनख्वाह थी, तो बढ़ाने की बड़े ज़माने से डिमांड थी। जी, दो साल पहले था हमारा इरादा के बढ़ाने का, लेकिन उस वक्त में एलजी ने, जो नजीब जंग एलजी थे, उन्होंने बंद कर दिया था वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड अभी बना है जी। और बनने के बाद फौरन आते ही हमने इस काम को शुरू किया और तनख्वाह बढ़ा दी जी। तो इलेक्शन का तो कोई इसमें तरीक वो नहीं है, क्योंकि भाई वक्फ बोर्ड पहले था ही नहीं, बंद था। वक्फ बोर्ड अभी बना, अगर पहले बन गया होता तो पहले बढ़ा देते जी। दो साल पहले बढ़ा देते अगर बंद नहीं होता जी। तो अब वक्त आया तो अब बढ़ा रहे हैं, उसमें इलेक्शन का अगर वक्त है तो इसके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं जी। शीला दीक्षित अभी हालांकि प्रेसिडेंट बनी है दिल्ली से, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि शीला दीक्षित के प्रेसिडेंट बनने पर आपके आम आदमी पार्टी को कोई लोकसभा चुनाव को लेकर कोई खतरा किसी तरह का कोई? देखिए, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी जी, उस वक्त में हमारी 67 सीटें आई थी जी, और जब वो पार्लियामेंट इलेक्शन था उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री थी, उस वक्त भी वो शीला दीक्षित थी, और शीला दीक्षित के रहते हुए उनके सारे नेताओं की, सारे एमएलए कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है जी। तो अब शीला दीक्षित के आने से क्या होगा, ये तो फूके हुए कारतूस हैं, शीला दीक्षित के से कुछ नहीं होना जी। इनके पास कोई नेता ही नहीं है कि वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी को ला सके, तो जो पहले जिसकी जमानत जब्त हो चुकी हो, सारे पूरी तरह से हार गई हो, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी उसके बाद जो इलेक्शन हुआ सारे उनके हार गए थे, वो तो उनकी जब भी लीडर थी, तो ऐसा आने के बाद कुछ नया नहीं लगता है। लेकिन आप ही के सवाल के ऊपर एक और सवाल मैं आपके साथ करती हूँ कि शीला दीक्षित ने कहा कि उन्होंने बीते 15 साल से दिल्ली को मेट्रो सिटी बनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ दिल्ली में, कुछ ऐसा नहीं हुआ जो कि अलग से कुछ कहा जाए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने 8,000 कमरे बनाए थे पहले, 11,000 कमरे बनाने का काम हमने जो है अभी 4 दिन पहले ओखला से ही शुरू किया पूरी दिल्ली के अंदर। हमने अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं, और जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उनके अंदर पहले कभी पानी की लाइन नहीं डली, हमने 500 कॉलोनियों के आसपास पानी की लाइनें डाल दी। सारी अनऑथराइज कॉलोनियों में हम लोग सड़कें बनाने का काम हम कर रहे हैं, बिजली हमने आधे दाम पर की, के पानी हमने मुफ्त दिया, ठीक है, सीसीटीवी हम लगाने जा रहे हैं। तो ये कहना कि कुछ नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें हैं और जनता इस बात को जानती है कि आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में कितना बढ़िया काम किया है। अगर उन्होंने बढ़िया काम किया होता 15 साल जी, तो फिर वो हारते ही नहीं, उनके तो सारे हार गए, 0 उनका एमएलए आज की डेट में, 1 भी MLA उनका नहीं है। तो अगर उन्होंने काम किया होता तो इस कगार नहीं पहुंचते। आवाम का कोई काम नहीं किया, जो काम किया था वो कॉमनवेल्थ के टाइम में सिर्फ कुछ सड़कों का काम हुआ था, लेकिन जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी, जो अंदर की कॉलोनियाँ थी, या जो जनता थी, जैसे बिजली था, हर साल बिजली, हर 3-4 महीने बिजली के दाम बढ़ते थे। आम आदमी पार्टी जब से आई है 1 रुपया भी बिजली का दाम, 1% बिजली का दाम नहीं बढ़ा, और हमने सब्सिडी करके उसको आधा और कर दिया, 400 यूनिट तक आधा है, तो 4 साल से तो हमने बिजली के दाम बढ़ने नहीं दिए। अस्पतालों में जो काम किया, दवाइयां हमने मुफ्त की है, मोहल्ला क्लिनिक हमने खोली है, और हमने एजुकेशन के क्षेत्र में 26% टोटल का हमने खर्च किया है, और 11,000 कमरे उसी वजह से हम लोग बना रहे हैं, 20,000 कमरे 4 साल में हमने बनाकर दी थी, ये कम उपलब्धि नहीं है। ये कह देना कि हमने कुछ नहीं किया, तो कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड इन चीज़ों को नहीं देखता, इलेक्शन कब है कब नहीं है। हम लोग तो जीत कर आए, हमने वादा किया था कि जब भी हमारा बोर्ड बनेगा इमामों की तनख्वाह बढ़ाएंगे, हमने आते ही बढ़ा दी। आगे लोकसभा चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटजी? लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग इलेक्शन जा रहे हैं, आवाम से बता रहे हैं, जो हमने काम किए हैं लोगों में जा रहे हैं, और लोग इसको सराह रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ आप लोगों ने काम किया है, तो उसी का है कि अपने काम को बता रहे हैं, और लोग इसको बहुत आदर के साथ हम लोगों को वोट देने